नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल, आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। स्मार्ट वैल्यू कंपनी के वर्करों ने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ एसपी से शिकायत की। स्मार्ट वैल्यू कंपनी के वर्करों ने कार्यवाही की मांग भी की है। स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के वर्करों ने आरोप लगाया है कि कुछ दिनों पूर्व कुछ लोगों द्वारा कंपनी को बदनाम करने की साजिश करने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ आज कंपनी के ही वर्करों द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायतकर्ताओं के खिलाफ शिकायत की गई है। आपको बताते चले कि स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एवं सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ कुछ दिन पूर्व कंपनी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ चंद लोगों द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि स्मार्ट वैल्यू कंपनी द्वारा फर्जी तरीके से 12,000 रुपये वसूल कर नौकरी देने के नाम पर ठगा जा रहा है, जिसको लेकर कई समाचार पत्रों में यह खबर की प्रकाशन भी हुआ था। इसी बीच आज देखने को मिला कि जिला एसपी कार्यालय पहुंचकर कंपनी में ही कार्य कर रहे वर्करों ने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ जिला एडिशनल एसपी से शिकायत कर कंपनी के समस्त दस्तावेजों को दिखाते हुए यह जानकारी दी कि जिन जिन लोगों द्वारा शिकायत की गई है, इन लोगों द्वारा पूर्व में कंपनी से हजारों लाखों की कमाई कर चुके हैं, जिसमें फर्जी तरीके से कंपनी के ऊपर ब्लेम लगाते हुए फर्जी आरोप लगाया गया है। यह पूर्णतया गलत है। जिला एडिशनल एसपी से कंपनी के वर्करों द्वारा मांग की गई है कि जिला प्रशासन द्वारा सत्यतापूर्वक जांच कर शिकायतकर्ताओं के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इस बीच शिकायतकर्ता रामजन्म गुप्ता, रोहित साहू सोनू, प्रजापति सोनू विश्वकर्मा, पानकली सिंह, सूर्य नारायण सिंह, संजय विश्वकर्मा, संगीता विश्वकर्मा, संगीता केवट, सुष्मिता सिंह, शिवेंद्र सिंह, सुनैना केवट, पूजा विश्वकर्मा, विकास केवट सहित दर्जनों की तादाद में मौजूद रहे स्मार्ट वैल्यू कंपनी के वर्कर। जिला ब्यूरो चीफ विनय त्रिपाठी की रिपोर्ट। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम सोनू विश्वकर्मा। हाल ही में जैसे कि आज एसपी ऑफिस आपके द्वारा शिकायतें की गई, क्या कैसा मामला था? ये भी क्या है कि मैं स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहा हूँ, एस एस ग्रुप में काम कर रहा हूँ, 4 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। अभी देखा जाए तो कुछ लोगों के माध्यम से कुछ लोगों ने आकर के यहाँ पे फर्जी शिकायत की है, जो कि बुनियाद है, निराधार है, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या काम करके इनकम भी किया है, इनकम करने के बाद भी किसी साजिश के माध्यम से किसी के भगावे आकर के कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जिले में कितने वर्कर हैं लगभग? अभी देखा जाए तो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, 230 लोग पेंट का काम कर रहे हैं। अभी इन लोगों की शिकायतें क्या थी, किस मामले को लेकर, कैसे, क्यों ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि ये शिकायतें करने आए? क्या कंपनी में पूर्व में काम किए? जी हाँ, इन्होंने काम किया, काम करने के बाद लाखों का इनकम भी किया, इनकम करने के बाद साइड हो गया, काम छोड़ दिए, और 2-3 साल बाद आज आ करके बोल रहे हैं कि मुझे लूटा गया, मुझे हमसे पैसे लिया गया, ठगा गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला के कंपनी को बदनाम करने की साजिश की। बिल्कुल, चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी, मेरा नाम रामजनम है और स्मार्ट वैल्यू कंपनी में मैं पिछले 4 साल से एसोसिएटेड हूँ, और अभी जो है तो मैं प्रेजेंट में इसमें एसोसिएट के रूप में ही वर्क कर रहा हूँ। जी, जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व स्मार्ट वैल्यू को लेकर कुछ मामले आए थे सामने, जी, क्या कैसा मामला था उसमें? देखिए, अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से मेरे को देखने को मिला और न्यूज़ के माध्यम से सुनने को मिला कि कुछ लोग जो पूर्व में यहाँ पर काम कर रहे थे, एसोसिएट के रूप में काम कर रहे थे, उन लोगों ने अच्छा लाखों का में इनकम भी किया है, और उसके बावजूद कंपनी के खिलाफ कुछ साजिश रच करके और आज कंपनी के खिलाफ उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे कंपनी को बदनाम किया जाए और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रॉब्लम खड़ी कर दी जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या मामला था? जी, यहाँ पे कुछ स्मार्ट वैल्यू के खिलाफ शिकायत किया गया था, कुछ लोग फर्जी तरीके से शिकायत किया था, पैसा कमा करके भी लोग बोल रहा था कि पैसा हम नहीं कमाए हैं, मुझे पैसे रिफंड चाहिए। वो भी सोचे 4-4 साल यहाँ पे पैसा कमाए, उसके बाद छोड़ दिया, अपनी मर्जी से छोड़े वो लोग। अब हो सकता है कि किसी के खिलाफ वो लोग कर रहे हैं साजिश रच रहा है कंपनी को बदनाम करने के लिए। हम लोग के यहाँ पे काम करने में समस्या हो रही है सीधी में, क्योंकि लोग बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी है ऐसे, इसलिए हम यहाँ पे आए थे आवेदन देने के लिए कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, क्योंकि यहाँ पे पैसा कमा करके भी लोग करेगा तो ऐसा थोड़ी होता है। ना तो यहाँ पे नौकरी दी जाती है, ना तो महीने में मिलता है पैसा। यहाँ पे सिंपल से होता है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, कहीं भी नहीं मिलता है ऐसा, बैठे पैसा कहीं भी मिलेगा नहीं। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे को ऐसा बोला गया कि नौकरी दिया गया, और इसी तरीके फर्जी तरीके से पेपर में भी छपा था, इसी तरीके बहुत सारे यही समस्या थे, इसलिए हम लोग सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे। अच्छा, शिकायतकर्ता क्या कंपनी में पूर्व में काम कर चुके हैं? शिकायतकर्ता तकरीबन 2-3 साल काम किए थे, और कोई लाखों रुपया कमाया, कोई 50,000 रुपया कमाया, कोई 10,000 कमाया, कोई 15,000 कमाया, सब लोग पैसा भी कमाए हैं, और आज भी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं पैसा नहीं कमाया, मुझे पैसा रिफंड चाहिए, बाकी काम भी कर चुके हैं।